दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पास है Realme Narzo 60X 5G मोबाइल। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डाटा लिमिट को इस मोबाइल में कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आपने डाटा लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो यहाँ पर डेली डाटा एक्सपायर्ड लिखकर आता है, यानी इस नोटिफिकेशन को कैसे आप हटाओगे, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही इस मोबाइल में आप डाटा लिमिट को बढ़ा दोगे तो ये नोटिफिकेशन हट जाएगा और आपके इंटरनेट की स्पीड भी काफी तेज हो जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन को हटाने के लिए आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन पैनल इस प्रकार से ओपन करेंगे। अब ये जो ऑप्शन आ रहा है यहां पर लिखा होगा टुडे यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से ये जो लाइन चल रही है इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर डाटा यूज लिमिट का ऑप्शन आएगा, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। और यहां पर आपको करना क्या है, ये जो डेली डाटा यूज लिमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जितनी भी MB आपको डेली मिलती है उतना आप टाइप करेंगे। तो मुझे 1.5 GB मिलती है तो 1.50 यहां पर लिख देता हूं और यहां पर MB पे सेलेक्ट होगा, GB पे आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये पहली सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए मंथली डाटा यूज लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस टिक को आपको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं ज्यादा, आपको यहाँ पर दोस्तों 50,000 दोस्तों आपको इस प्रकार से लिख देना है। MB पे सिलेक्ट होगा तो आपको GB पर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन शो हो रहा था वो नोटिफिकेशन नहीं अब शो होगा, यानी डाटा लिमिट आपके मोबाइल की बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं।